नमस्कार दोस्तों मनोज साइबर कैफे पानीपत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों हरियाणा पुलिस फीमेल दुर्गा केज एडमिट कार्ड जो सभी के डाउनलोड हो चुके हैं जिन्होंने अपना प्रिंट करवा लिया है और अटेस्टेड एट जल्दी से जल्दी अटेस्टेड भी करवा लिया है तो सभी के लिए मैं एक बार ये वीडियो बना रहा हूँ तो सभी जो है एग्जाम इंस्ट्रक्शन जो है आपके ये सभी के लिए ज़रूरी है इनको ज़रूर पढ़ ले जिन्होंने अटेस्टेड करवा लिया है उनको भी दोबारा अटेस्टेड करवाना पड़ सकता है क्योंकि कईयों ने अपनी पुरानी फोटो लगा के ही उसको अटेस्टेड करवा भी लिया है जो कि वो आपका गलत होने वाला सिस्टम उसके लिए आपको क्या है दोबारा प्रिंट करवा के अटेस्टेड करवाना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ आपको क्यों करवाना पड़ेगा ये आपको मैं अभी बता दूंगा आपको सभी ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे कैंडिडेट मस्ट रीच एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम मेंशन एज एडमिट कार्ड एंड नो एंट्री अंडर सरकमस्टेंस विल बी अलाउड आफ्टर टाइम मेंटेन मेंशन इन क्लोजर ऑफ़ एंट्री जो एंट्री का टाइम है उसके बाद जो है कोई एंट्री नहीं मिलेगी बायोमेट्रिक थम्ब आई आयरिस ये सभी आपका वहाँ पे होगा और आते और जाते टाइम दोनों टाइम जो है आपका बायोमेट्रिक वहाँ पे आपका जो है अटेंडेंस लगेगी वहाँ पे नो कैंडिडेट विल बी अलाउ टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल टिल बायोमेट्रिक फोटोग्राफी ऑफ कैंडिडेट इज़ डन फोटोग्राफी होने तक जो आप हॉल से जो है नहीं आ पाएंगे एडमिट कार्ड जो है आपका वहाँ पे कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो आपके एडमिट कार्ड में दिए गए हैं सभी को ये पढ़ लेने हैं इफ़ देर आर एनी मिस मैच और द कैंडिडेट डज नोट गिव बायोमेट्रिक फेसियल फोटोग्राफी एट बूथ टाइम बूथ टाइम मतलब शुरू में जब आप जाओगे उस टाइम भी आपकी फ़ोटोग्राफी बायोमेट्रिक और ठीक है फेशियल जो है जो कम्प्लीट है यहाँ पर दिखाया गया है तीनों ऑप्शन आपके कम्प्लीट होंगे और आते टाइम भी ठीक है अगर कैंडिडेट इनको कम्प्लीट नहीं करता है तो क्या होगा वहाँ पर कैंडिडेट सेल बी कैंसल्ड ऑन ग्राउंड ऑफ Attempt to uh, impressions एट एंड एक्शन सेल बी टेकन against हिम अंडर वहीं पे आपके लिए खातिरदारी की सेवादारी की जो है पूरी व्यवस्था रहेगी अगर आपकी वहां पे बायोमेट्रिक और फोटोग्राफी प्रॉपर मैच नहीं हुई ये ठीक है ये ऑप्शन ध्यान में रखना अब आप इसके बाद चौथा ऑप्शन आपका फोर्थ में है कैंडिडेट सेल नोट लीव और लीव द ओ ब्लैंक ब्लैक ओ एम आर आप छोड़ ही नहीं सकते विच विल लीड टू कैंसलेशन एंड नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट नेसेसरी एक्शन भी आपके साथ लिया जाएगा जो वहाँ पे होगा और आपका जो के, जो फॉर्म है वो उसी टाइम आपका कैंसिल कर दिया जाएगा यदि आप उसको ब्लैंक छोड़ जाएंगे इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट वॉन्ट टू आंसर एनी क्वेश्चन ही शुड क्रॉस द ओ एम आर सीट एंड कैंसल्ड अक्रॉस द ओ एम आर सीट आफ्टर विच इन्विगुलेटर सेल आल्सो राइट कैंसल्ड ओन द विद साइन वहाँ पर आपको जो है प्रॉपर उस पर कैंसिल लिख के साइन करवाना है बाकायदा कि आप किसी का आंसर नहीं देना चाहते हैं ब्लैक छोड़ने की एज में यदि आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपको वहाँ पर एग्जाम है जो एग्जामिनर है उससे कैंसल आपको साइन भी करवाने हैं प्रॉपर अपने भी साइन वहाँ पर प्रॉपर करने होंगे बायोमेट्रिक ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी मैच एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी जो बायोमेट्रिक आपकी वहाँ पे आप जाओगे अभी एडमिट कार्ड के टाइम पे और वही आपकी जो बायोमेट्रिक है वहाँ पे मैच की जाएगी स्क्रूटनी के टाइम पे पेपर होने के बाद जो लिस्ट लगेगी उसके बाद जो है आपकी स्क्रूटनी के टाइम सेम टू सेम वही जो इनिंग के टाइम और जो है स्क्रूटनी uh, के टाइम उसको मैच किया जाएगा केस ऑफ एनी मिस मैच द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन हर जगह एक्शन हर जगह एक्शन लिया जाएगा कहीं भी प्रॉब्लम हुई तो उसी टाइम एक्शन है भाई सच कैंडिडेट सेल नोट बी गिवन एनी अपॉइंटमेंट एंड रिकोमेंडेशन ऑफ द कैंडिडेट सेल बी विदड्रॉ एंड एक्शन सेल बी टेकन अगेन एस थीम फॉर इंप्रेशन देख लो भाई पांच जगह एक्शन की बात आ ली है अब थोड़ा टाइट हो गए जाना अगर किसी ने कोई भी वहां पे गलती कर दी तो आप देखो खुद जिम्मेवार हो गए इस चीज के ऑल कैंडिडेट हु इन ऑल कैंडिडेट हु इंटेंड अपीयर इन रिटर्न एग्जामिनेशन बी एडवाइज टू गेट थीम सेल वैक्सीनेशन अगेनस्ट कोविड कोरोना इमिडेटली ये चीज़ ध्यान में रखना देखो मैं आ, पहले स्ट्रक्शन हिंदी में लिखे हुए थे मैं उसको पढ़ रहा था मुझे वहाँ पर लिखा हुआ मिला कि कोरोना का जो है टिक्का आपको लगवाना है आपको हिदायत दी जाती है जल्द लिगवा लो अब देख लो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है ये ऑप्शन भी आपका आ गया है कैंडिडेट मस्ट कम विद देयर फेस कवर्ड विद मास्क नो एंट्री सेल गिवन टू कैंडिडेट विदाउट फेस मास्क आपको मास्क लेके जाना है उसके बिना कोई एंट्री नहीं होगी कैंडिडेट सेल भी आस्क टू रिमूव मास्क मास्क एक बार आपको वहाँ पे पहचान करने के लिए जो है हटाने के लिए बोला जा सकता है कैंडिडेट विल बी अलाउड एंटर एग्जामिनेशन सेंटर कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिशन सेंटर आफ्टर सैनिटाइजेशन एंड थर्मल स्क्रीनिंग कैंडिडेट सेल इंश्योर सोशल डिस्टेंस एज पर दाइडलाइन इश्यू बाई द गवर्नमेंट अब आठवां ऑप्शन है जो सभी के लिए है इसकी वजह से आपको जो है जिन्होंने एडवांस में करवा लिया है ना उनको दोबारा करवाना पड़ेगा आप देख लो क्यों करवाना पड़ेगा कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग लाइबलिटी प्रिंटेड एडमिट कार्ड साफ साफ प्रिंटेड जो है आपको एडमिट कार्ड लेना है क्लियर धुंधला मुंधला नहीं चलेगा वहां पे और उस पर जो है दो रिसेंट कलर फोटो हैं कलर फोटो विद डेट एंड डेट मेंशन ऑन इट ठीक है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो बनवानी है उसमें आपको डेट और टाइम दोनों एंटर करवाने हैं किस डेट को आपने फोटो लिया है उसके नीचे मेंशन वहाँ पे लिखा होना है डेट और टाइम दोनों मेंशन है ऑन इट मेंशन होना चाहिए ठीक है वन पोस्टेड ऑन एडमिट कार्ड एट मार्क बी ड्यूली अटेस्टेड बाई गैजेटेड ऑफिसर ठीक है वन आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटो लाइक ड्राइविंग लाइसेंस वोटर कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट ठीक है इनमें से कोई एक आई डी आपको साथ में लेके जानी है ओरिजिनल द एग्ज़ामिनेशन सेंटर फिलिंग फेलिंग विथ्स कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिशन सेंटर ठीक है ये सब डिटेल वहाँ पर होनी चाहिए इसके बिना इसके बिना तो आपको वहाँ पर कोई एंट्री ही नहीं मिलेगी फोटो पे आपको डेट और टाइम मेंशन करवाना है और अपनी ओरिजिनल आईडी ये आपको साथ में लेके जानी है फोटो आईडी जिसमें आपका फोटो मेंशन है नो नंबर में आपका कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही सी प्रोसेस प्रोसेस द रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट इज क्वालिफिकेशन एंड एज आगे तो दोस्तों नॉर्मल होगी सारी ठीक है इसमें ज़्यादा नहीं है मेन चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें बाकी आप जो है आपके एडमिट कार्ड में सेकेंड पेज और फर्स्ट पेज है इन दोनों को आपने यहाँ से पढ़ लेना है ठीक है यहाँ से नीचे नीचे एक बार अपने हिसाब से पढ़ लेना भाई जो समझ में आए लेकिन जो मेन चीज़ थी मैंने आप सभी को बता दी है बायोमेट्रिक और आपका जो है सबसे मेन है कईयों ने जो कल अटेस्टेड भी करवा लिया है लेकिन उनको बताना चाहूँगा रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगवानी है उसमें डेट और टाइम आपका मैंसन होना चाहिए इसके हिसाब से जो नोट भी नोटिफिकेशन में आपका दिया गया है बाकी आप अपना इंस्ट्रक्शन एक बार अपने हिसाब से पढ़ लें दोस्तों सभी इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं बिल्कुल तरीके से पढ़ लें और अगर इसमें कोई भी आपने ढील बरती है तो वहाँ पे आपको जो वेरिफिकेशन के टाइम पे एंट्री करते टाइम पे वो टोक सकते हैं भाई नहीं होगा काम और टाइम से अपना पेपर देने पहुँचे सभी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद